सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम दाता सिंह वाला बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यानी कि हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है। एक किस्म से पाकिस्तान वाले भारत पाकिस्तान वाले हालात हो रहे हैं और बहुत बड़ा उपद्रव होया। जो किसान थे पंजाब के, उनने भाई बैरिकेटिंग तोड़ी और उसके बाद जो है वहाँ हरियाणा में एंट्री करके उस दौरान हम जो है पंजाब में जो किसान थे, जो जत्थेदार थे, उनको कवर कर रहे थे। और पाछे तो भाई मारी गाड़ी भी जो है इसकी चपेट में आएगी, अच्छा खासा नुकसान करके शीशा तोड़ दिए बराबर के भी। उरान भी मैं कैमरामैन थी कहूँगा दिखा हुआ तो, और प्रशासनिक अधिकारी उनकी भी गाड़ी तोड़ी गई है, SDM वगैरह की भी। तो खैर वही बात है, नहीं कहा भीड़ का कोई वो नहीं होता नाम है। और पिछला शीशा बाकी हमारी टूम ठेकरी बच गई भाई, और वो नुकसान को नहीं हो पाया। मेरा झोला भी पाया गया इसमें, न्यूका नहीं। और भी जो हमारे मीडिया इक्विपमेंट थे वह भी सुरक्षित हैं। खिंड के तो खैर कौन लेके जाओ था, क्यों बंद नहीं कौन आंदी गण तो इवलग तो होने लग रहा है। वो लाला जी वाली बात है, बोले लाला जी बोले कितना नुकसान हो गया, तो कोई भी आओ, कोई बादाम खाओ, कोई भुगड़े खाओ, बोले भाई भी तो होने लग रहा है। तो वो काम आड़ा हो गया भाई, तो जगती जुगती भी बच गई, कैमरे भी कुल मिला के न्यू है ठीक है सदगी। तो भाई फिर भी हम बार बार एक बात जरूर कहवांगे, जो आंदोलनकारी हैं, जब भीड़ जो है वो नेतृत्वहीन हो जाए उस टाइम आंदोलनकारी की ना जाति होती ना धर्म होता, और उसे में कुछ बैड एलिमेंट भी हुए हैं। सरकारी गाड़ियां का भी नुकसान कराया गया, बता एम्बुलेंस पर भी छो तैर दिया। इब जो जिसने छो तैरिया है उसके हाड़ गोडे टूट जाए, उसने भी इसे में घेर कर ले जाए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आगे तभी अच्छा काम की जा रहे थे अच्छा तो हालात काफ़ी अच्छा। और इसका अच्छा यू आड़े पत्थर लग रहे तो मेरे ख्याल हैं उनको भी तो, और भी सरकारी गाड़ी हमें भी तोड़ दी भाई, SHO की गाड़ी नहीं बख्शी, SHO साहब की गाड़ी भी तोड़ दी, और ये आड़े भी जो शीशा टूट गया साइड वाला शीशा भी तोड़ दिया। अच्छा इसके जमाए पुलिस पे तो घना छो उतरिया करे नहीं, पुलिस वाली गाड़ी का भी भाई हाल कर, इनकी गाड़ी में टूम ठेकरी घाट पाओ लठ लुठ पा कर। तो काफ़ी जो भीड़ है इवलग फिलहाल, अगर आप बात करें तो आंदोलनकारी जो हैं, जो रजिस्टर्ड आंदोलनकारी यानी कि जो जत्थेदार हैं, या पंजाब की तरफ से जो किसान यूनियन के जो प्रधान हैं, उनका तो न्यू कहना है भाई शांतिपूर्वक बैठे रहो भी। लेकिन कुछ भीड़ में जो एग्रेसिव मोड में जो नौजवान हुए हैं वह आगे बढ़े, जिनने कि भाई बैरिकेटिंग को भी तोड़ दिया, पुलिस के साथ आमना सामना होया है, वाटर कैनन का प्रयोग करेगा पुलिस द्वारा भी। और फिर हालांकि पुलिस ने अपना रवैया जो है वो नरम कर पीछे हट गए, और फिलहाल स्थिति अगर मैं कहूँ कैमरामैन थी कहूँगा दिखाया हुआ थोड़ा सा, यानी कि कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आराम तो एक दूसरे के शामी हैं, मतलब ना न्यूनते कोई ज़्यादा कि में हलचल हो रही है ना न्यूनते। तो जो पुलिस जो किसान हैं जो वह भी पाछे से निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जो यू एक्शन लिया है यानी कि जो गाड़ियां की तोड़फोड़ की अगर बात करें तो यो भी उस एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं था। अगर भाई किते इनका जो नेतृत्व करने वाले जो किसान नेता हैं उनने इस प्रकार का कोई निर्देश जारी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम पर भाई ये घटनाक्रम चल रहा था, गाड़ियां की तोड़फोड़ वाला मामला था, उस टाइम हम पंजाब के अंदर घुस रहे थे, और जो प्रदर्शनकारी हैं जैसे ही उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ के जिस तरह भीतर घुसे, उनके सामने जो भी चीज़ आई उससे पर अपना छो तारना शुरू कर दिया। हालांकि आंदोलन का जो यू स्वरूप है आम भाई इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ, यू बहुत गलत तरीका है भाई। मान ले दिल्ली पहुंचना है, राह खाली करना है, बैरिकेटिंग हटाओ, पत्थर हटाओ, ओढ़ा तक तो ठीक है, लेकिन यह पत्थरबाजी करके या फिर सरकारी या गैर सरकारी गाड़ियों को जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है वो गलत तरीका है, गलत अंदाज है। और इसे करके पुलिस ने फिर बल का प्रयोग करना पड़ा है, जब इस डाल के असामाजिक तत्व जो है वो उस आंदोलन का हिस्सा बने हैं। तो भाई हम फिर किसान जो नेता हैं उन तभी कहेंगे अगर भाई इस तरह की जो भूल चुक हुआ है उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि फिर वो अपना कहावत है चने के लड्डोरा पीसना, फिर चने के लड्डोरा पीसा जावे है तो उसका फिर जो परिणाम है वो बड़ा दुखदायी हुआ है। तो फिर हम बार बार कहेंगे आंदोलन करो, लेकिन उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह के करना चाहिए भाई। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय भारत।